हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैश के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि शाओमी 11 लाइट एनी 5G में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की क्लॉक में चले जाना है। क्लॉक में जाने के बाद दोस्तों आपको अलार्म वाले सेक्शन में यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लेनी है अलार्म के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर AM PM सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद 5 बजे का अलार्म सेट कर देते हैं। टाइम सेट हो चुका है, अब हम रिंगटोन सेट कर सकते हैं। यहाँ से रिंगटोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 5 रिंगटोन्स मिलेंगी अलार्म के लिए। आपको जो भी रिंगटोन अच्छी लगी आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना, रिंगटोन सेट हो जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई भी रिंगटोन नहीं अच्छी लगती तो आपको ऑल रिंगटोन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन्स मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी रिंगटोन सेट करनी है आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज से रिंगटोन सेट करनी है तो आपको चूज़ लोकल रिंगटोन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप म्यूज़िक प्लेयर, फाइल मैनेजर, रिकॉर्डर से भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन दिखाता हूँ, रिपीट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एक दिन के लिए अलार्म सेट करना है वंस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको डेली के लिए करना है डेली पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको मंडे टू फ्राइडे के लिए करना है तो मंडे टू फ्राइडे पर क्लिक कर देंगे। कस्टम पर क्लिक करके आप खुद से डे सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको दोस्तों अलार्म में वाइब्रेशन चाहिए तो इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो आप इसे ऑफ कर देंगे और ऊपर टिक पर क्लिक कर देंगे, अलार्म सेट हो जाएगा।